राजस्थान के बाड़मेर जिले की चौटन तहसील में अर्ध महाकुंभ पोषण सुइया मेले को ध्यान में रखते हुए चौटन से चलकर बाड़मेर जाने वाली सड़क डीपीओ ऑफिस से मात्र 100 मीटर के दायरे में पेट्रोल पंप के सामने एक खटारा ट्रक कई महीनों से हादसों को न्योता दे रहा है। कई बार इस ट्रक से छोटे बड़े हादसे घटित हो चुके हैं, मगर कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत आंटिया के वार्ड पंच रेखा रामदेव ने एक चैनल के माध्यम से आवाज उठाई थी इस ट्रक को किसी अनियंत्रित जगह छुड़वाया जाए, मगर प्रशासन अभी तक गहरी नींद में सोया हुआ है या फिर कानों में कपास डाल रखा है जो उनके कानों तक लोगों की आवाज नहीं जा पा रही है। यहाँ के कुछ ग्रामीणों ने आज समाचार एक्सप्रेस न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ तेजाराम चौधरी बाड़मेर से चलकर अर्ध महाकुंभ सुइया मेला में आ रहे थे तो पेट्रोल पंप के ठीक सामने कई लोग खड़े थे, तो समाचार एक्सप्रेस न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ तेजाराम चौधरी के गाड़ी को रोकने पर उन लोगों ने अपनी समस्या को अवगत करवाया। खटारा ट्रक के बारे में लोगों ने आप बीती सुनाई जो इस वीडियो में रिकॉर्ड है। इस खटारा ट्रक के बारे में बाड़मेर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गंगादीप सिंगला से बात की समाचार एक्सप्रेस न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ तेजाराम चौधरी, तब पुलिस अधीक्षक का जवाब सुनने को मिला कि इस खटारा ट्रक को आप हटा दो, आखिर प्रशासन की तानाशाही कब तक चलेगी, बोली भारी जनता इससे क्या उम्मीद रखेगी, एक खटारा ट्रक को यह सड़क किनारे से नहीं हटवा सके तो अर्ध महाकुंभ सुइया पोषण मेले की व्यवस्था को कैसे संभाल पाएंगे। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये गाड़ी अतिक्रमण में है या नहीं? ये तो अतिक्रमण पिछले 2 साल से यहाँ गाड़ी खड़ी है, पूरा समान ध्यान ही दे रहा है तो हित नहीं दिनों दिन से एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है और ये जो मरुकुंभ महामेला भरा जा रहा है और विश्व विख्यात मेला है और इसमें 10 लाख लोग आने की संभावना है, ये अतिक्रमण नहीं हटा पाए हैं। यहाँ पे कलेक्टर मोदी आए हैं, पुलिस के उच्च अधिकारी भी आए हैं, यहाँ में चोट के बाद एसडीएम कोर्ट भी लगा हुआ है, ये लोग इसको नहीं हटे पाए, ये लोग मेरे की क्या व्यवस्था करेंगे, ये बहुत सोचने के बहुत चिंताजनक विषय है। लेकिन आपने उच्च अधिकारी को या एसडीएम को या किसी को आपने अवगत करवाया है क्या? हमने व्यक्ति के अवगत कराया है और ये डेली अध्यक्ष को देख के जाते हैं, करते कुछ नहीं है, उनको देख के चले जाते हैं, पता नहीं इसमें कौन सी विद्या भरी हुई है, न तो ये हटाते हैं। ये ट्रक किसका हो सकता है? ये ट्रक कोई यहाँ को 2 साल से यहाँ बड़ा हुआ पता नहीं कितना, कोई लावारिस से पता नहीं किया है और कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अभी तक प्रशासन यहाँ के बिल्कुल बंद है। तो ये अर्थ महाकुंभ मेले को नजर में रखते हुए मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, ये ट्रक हटाने में प्रशासन को इतनी दिक्कत आ रही है तो उसमें व्यवस्था, उस मेले में व्यवस्था क्या करेंगे? व्यवस्था मेले में कर नहीं पाएंगे, ये नहीं हट पाएंगे, 10 लाख लोग आने की संभावना है तो कानून व्यवस्था में कोई चीज नहीं है। तो आप इस प्रशासन की तरफ से कुछ संतुष्ट हो गया? ना होके रखा है, तो इसमें प्रशासन बिल्कुल ना खुश है।